उन्होंने अपने आप बनाई होगी ना उसे लेके भी कौन कौन ऐसा है ना आप भी ऑफिसर आपकी सारी जिम्मेदारी आपकी भी है चलो मेरी भी है आपकी जिम्मेदारी है भी आपके दफ्तर में और सरकार बैठी हुई है आप लोग इसी काम में सरकार में अब ये वाला काम कर रहे हैं की बात हो गया आधा परसेंट भी नहीं है आपसे बाहर मैडम जी ऐसा है नहीं देखो ऐसा है मैडम जी ऐसा है मैं हमें मत आप आपको हमारा पता नहीं हम कितने अगर खुद निकले नहीं ना तो फिर हमने पूरी अरे तो भी बोले हो क्या आपसे बात नहीं है बिल्कुल भी तो फिर कैसे जा रही लिस्ट आप बताओ नहीं 15 पंचायतों 15 पंचायतों के ही बेनिफिट फॉर्म कैसे निकल रहे हैं कैसे आ रही है वहां से बताओ नहीं आप एक ही चुनाव के लिए मैं बाकी और नहीं निकल रहे हैं कैसे निकल रहे हैं और जो तीन वार्ड है हमारी और भी है वहां क्यों नहीं निकल रहे हैं बताओ आप क्यों बैठे हैं आप क्या देख रहे हैं आप क्या देख रहे हो उस दूसरी वार्ड के ज्यादा क्यों निकल रहे हैं आवेदन किया होगा ना ये हम तो उसी बेस पे भेज रहे हैं मतलब बिना पूछे कहीं से जाता है मैडम ऐसा है हम देखो ऐसा मैं आपको पहले भी मैंने आप लोगों को कहा एक बार मैंने इनको भी कहा पहले मैडम को भी मैडम आप सरकार हमारी है और ध्यान रखो बिल्कुल आप हम आपको बिल्कुल हम आपको पूरी रिस्पेक्ट देते हैं पूछो रिस्पेक्ट दिया पूरी रिस्पेक्ट पर अब देखो हमारे भी तो अब जब सिर से ऊपर पानी चले जाए तो फिर तो भाई बंदा फिर तो ये करता है नहीं ऐसा है हमारी 50 पंचायतों में से 15 ही पंचायतों को सारे बेनिफिट क्यों मिल रहे हैं बाकी 35 का क्या है आवेदन किए हुए ऑलरेडी उनको क्यों मिल रहे हैं बेनिफिट आप कुछ देखा करो ना कुछ देखा करो आप ऐसा नहीं है देखो डाके पढ़िए देखा करो आप लोग ना देखा करो आप टॉर्चर की जा रही है मंडप की जा रही है हमारे पास इसमें हमारे को भी ऐसा है जब व्यक्ति को दर्द होती है तभी बोलता है हमने आपको हमारे ना आपके रहते हुए आप लोग रहते हुए हमारे नारे लग रहे हैं वहाँ मुर्दाबाद के आपके दफ्तर आपके दफ्तर के बाहर हम 50 लोग ले आए 100 लोग आपके मुर्दाबाद के ना लगा रहे तो आप हमारी डस्ट भी लगाते हैं सर हमारे कितने लगा रहे हो ये हम भी लगा रहे हैं हम भी लगा देते हैं तो नीचे दफ्तर की बात एक बात है सर हम भी लगा देते हैं हमारे पास लिस्टें बाद में पहुंचती हैं उनके पास पहले कैसे पहुंचती हैं ये बताओ ठग साहब देखो लिस्ट देखो अरे सर वो पता नहीं कहां से ली होगी आप वो आपने 35-35 हज़ार पे क्लेम कराए जो डेथ वाले जो सर्जियों वाले उन लोगों ने ये कहा लोगों से मैं आपको लिख के मैं बंदे ले आ सकता हूँ यहाँ उन्होंने कहा कि हमें जी आप 1-1 हज़ार रुपये दो हमें मंडी में देने पड़ते हैं बस अब आप बताओ आपको आपकी इतनी बदनामी हो रही है वहाँ पे लोगों को सामने बोल रहे हैं वहाँ जो पैसे लगते हैं उन्होंने दफ्तर खोले आप बताओ सर उन्होंने दफ्तर खोले हुए लोगों ने 200-200 रुपए और न्यू करने के लिए लेते हैं